हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स बाय एमजे में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ओप्पो A55 के फुल स्पेसिफिकेशन और यह कितने प्राइस पॉइंट पर आता है और यह कितना पावरफुल है। वैसे दोस्तों यह पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या क्या इसके अंदर आपको अच्छा देखने को मिलेगा और क्या क्या बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं गैजेट्स बाय एमजे। दोस्तों अगर मैं ओप्पो A55 की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलोइन G35 चिपसेट देखने को मिलता है। हाँ, मुझे पता है आप चिपसेट जानकर हैरान हुए होंगे, क्योंकि मैं भी हैरान हो गया था, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर यह आता है उस प्राइस पॉइंट पर यह चिपसेट तो बिल्कुल भी काम नहीं देगा। और यह स्मार्टफोन आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.51 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले के बारे में बोलूंगा दोस्तों मैं, यहां आपको एक डिसेंट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अगर इसके कैमरा की बात करूं तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50MP का वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो और मोनो कैमरा देखने को मिलते हैं। सेल्फी के अंदर आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और इस स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि 18W को हम फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये कहते हैं बट होती है नॉर्मली चार्जिंग है। अगर इसके कॉमन फीचर्स की बात करूं तो यह स्मार्टफोन आपको ड्यूल सिम देखने को मिलता है और 4G स्मार्टफोन है, वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सोमीटर सेंसर देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर आपको कंपास और जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों मैं इसके प्राइस की बात करूं तो यह आपको 15,490 रुपए का देखने को मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पर दोस्तों बहुत ही सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ चुके हैं, जिनके अंदर आपको कैमरा से लेकर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और यह स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ कैमरे में अच्छा है, हल्की फुल्की आप बैटरी भी लगा सकते हो, 5000mAh की बैटरी इसके अंदर मिलती है, और ना ही इसके अंदर आपको कंपास सेंसर देखने को मिलता है, ना ही इसके अंदर आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिलता है, और चिपसेट तो इतना पावरफुल है कि पूछो ही मत। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों मुझे नहीं लगता यह स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ कैमरा के बल पर यह स्मार्टफोन ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि यह प्राइस पॉइंट ऐसा है इसमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं और बहुत ही ज्यादा फीचर्स के साथ लॉन्च होते हैं। दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।